भाई कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ही ले आई है जयप्रकाश को जैसे सुरजे वाले को कैथल से जींद ले आए थे। ध्यान है ना, जो इतनी बढ़िया बात हो तो दीपेंद्र खुद लड़ते हैं, इतने बढ़िया सपने दिखा रहे हैं, जितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, जो इतनी बढ़िया बात हुए तो उन्हें क्यों मैं काके ले आओ कि आजा भाई जयप्रकाश है। यह तो इसलिए वही सिचुएशन है बिल्कुल, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का ना तो ऊपर से कोई सोता बन रहा, किसे को लगा है भाई कांग्रेस पार्टी की तो 24 में आवेगी, किसे लागता हो, किसे न लागे है तो भाई जब तम ने न लागता और कांग्रेस में जो थे उनमें नहीं लागता है तो भाई इनकी बात में फिर के मान की जरूरत है। तो किसी भी भाई को अगर इस बात का भरम रह रहा हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो ऊपर से ही नीचे नाण लगी है, ऊपर से ही कांग्रेस पार्टी का प्रभाव खत्म होता जा रहा है, पूरे देश में खत्म होता जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी इतनी प्रभावशाली हुए तो गहलोत साहब ने मान ले कि सा ड्रामा खड़ा करे, आखिर में खड़के बुलाए, बोला यू खड़ा उठा सकता है, नहीं तो वो गहलोत ना उठा लेता भाई खड़ा हुआ को, पूछो इनको ये भादरा तार गहलोत नाट क्या खड़ा उठान, तो बोला मैं यो काम नहीं कर सकता, मन तो कुर्सी पे बैठा रहा, ये जो बदल है। और आप पार्टी भाई आपने 8 वर्षों में इस देश को बदलते हुए देखा है, हम ऐसे नहीं करें। मैं भी मंत्री था पिछली सरकार में, पंचायत मंत्री था, और हम लोटा बोतल लेकर बाहर आ जाया करते, जय कोई बटे हुआ आ जाता, अर्चे सुखविंदर का मामा जिस तरह अड़ा आ रहा, न्यू कोई मामा आता तो उन्हें कहते था बोतल चाल तने घुमा ले रिश्तेदार। अब कोई जाता है बोतल लोटा देकर? ये बदला हुआ भारत खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहने सिर पे ईंधन सारा इकट्ठा करती थी, कोई ठांसरे ले आती, कोई गोबर पात थी, कोई जो लाकड़ियां इकट्ठी करके ले आती, बारिश आ जाती तो तावड़ी से न्यू कहती जो भी घर में बालक होता बड़े तावड़ा तावड़ा इकट्ठा करा, तावड़ा अंदर रखवा, केवल झड़का दिन का लग जाए, क्यों गंगवा जी ध्यान में नहीं है। और आज रसोई गैस आ गई है, अब वह आवड़ तावड़ की जरूरत नहीं है, अब तो जो है गैस सिलेंडर भरवाने की जिम्मेवारी भी बहनों की बजाय सुनीता जी मीना जी अब भाइयों पर आ गई है। आप चिंता वह करें भरी कि नहीं भरी, और वो तो मोदी जी के राज में घरी दे जाए, नहीं तो कांग्रेस के राज के वह दिन भी याद होंगे जब जो क्या करती सोनिया मैडम गैस जला दे के रोक सिलेंडर खड़ी केकुया में गैस सपड़ की क्यों अनबोल खड़ी होगी, लंबी लंबी लाइन लगे सर खड़े खड़े आके पैर थके सर फिर भी नंबर नहीं आओ तो घर में राज पड़ी। लेकिन आज हर घर में गैस है, किसी माता को दुख पाने की जरूरत नहीं है, धुम्मे में जो है आंखें फुटवाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बड़ी बात जो कर रहे हैं पूरे देश में, हर घर में नल से जल पानी भरने की जिम्मेवारी मातृशक्ति की, केवल ठाकरा के गांव छोड़कर वह तो भर लेते थे चंद्रपाल जी, लेकिन सारा का सारा ये काम जो है कोई करता है तो माताएं बहने करती, और आप जब घर में नल से जल आ गया तो वो भी पांडा छूट गया।